दोनों बहुएं खड़े हो गए साथ साथ, एक साथ हाथ में हाथ मिला के, हम दोनों के हाथ जुड़े हुए हैं और हम कोलैबोरेट कर चुके हैं, हम बहनों जैसी हैं और हमारे दिल के, हम दिल से जुड़े हुए हैं। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है और क्यों नहीं हम उसी को हम बांटें। अपने आप से नहीं दूसरों से भी प्यार करना चाहिए, अपने बच्चों से नहीं पर दूसरों के बच्चों को भी अपना समझना चाहिए। ये इतिहास में एक अनोखा केस है कि जुडिशरी में उनको 10 महीने का वो लीव दी गई। हाल ही में DPS कटरा में फ्री आई चेकअप कैंप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ और गौरतलब है कि इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने में महाराजा हरि सिंह जी ट्रस्ट और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री रह चुके मेहरचंद महाजन जी के नाम पे मेहरचंद महाजन ट्रस्ट द्वारा ये कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया गया, जो एक हफ्ते तक अगले जहाँ पे बच्चों की आईज़ की चेकअप करेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको जो है फ्री के जो है स्पेक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। गौरतलब है कि 1947 का जिक्र किया जाए तो महाराजा हरि सिंह जी और जस्टिस मेहरचंद महाजन जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, एक बड़ा रोल अदा किया गया था उनके द्वारा एक्सेशन करवाने में जम्मू कश्मीर का इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ। वहीं एक बार फिर ये फैमिली जो है रीयूनाइट हो रही है और अब की बार राज परिवार की तरफ से कुबरानी डॉक्टर रितु सिंह जी और दूसरी तरफ जस्टिस मेहरचंद महाजन जी की तरफ से उनके ग्रैंडसन विवेक महाजन जी और इनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी जो है वो सामने आए हैं इस कार्य में। क्या कुछ कहते हैं ख़ास बातचीत इस मौके पर, आइए सुने। फ्री आई चेकअप कैंप जो है आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा किया जा रहा है कटरा में, लेकिन साथ में जो संस्था आई है वो है मेहरचंद महाजन ट्रस्ट और महाराजा हरि सिंह ट्रस्ट की मदद से। गौरतलब ये है कि कुबरानी डॉक्टर रितु सिंह अक्सर आप इनसे बातचीत सुनते रहते हैं, लेकिन आज हिस्टोरिकल मोमेंट है। 1947 में जब जम्मू कश्मीर का सेशन हुआ तो मेहरचंद महाजन जो तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे वो प्राइम मिनिस्टर थे, आज उनकी बहू और उनके ग्रैंडसन जो हैं वो हमारे साथ हैं और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कुबरानी रितु सिंह जी। हिस्टोरिक मोमेंट आज एक बार फिर से दोनों एक साथ। बिल्कुल जय देवा। आज मैं, मेरे खुशी की कोई नसीब ही नहीं है क्योंकि इतनी ऐतिहासिक पल है ये कि महाराजा हरि सिंह जी के ट्रस्ट और जस्टिस मेहरचंद महाजन जी के ट्रस्ट इकट्ठे हुए हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे इनिशिएटिव ला के। 47 में दादी माँ महारानी तारा देवी जी जो थी उन्होंने जस्टिस महाजन जी को, वो भी हिमाचल की थी तो उन्होंने उनको इनवाइट किया था हमारे साथ, उनके साथ में हमारे फादर इन लॉ भी थे डॉक्टर करण सिंह जी और उन्होंने उस समय उनको इनवाइट किया था। एंड जो सर्विस जस्टिस महाजन जी ने की यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए एज अ चीफ जस्टिस एंड एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर अलॉन्ग विद महाराजा हरि सिंह जी, मैं कहती हूँ उनकी जो सेवा उन्होंने किए हैं हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता था कि हम उसी बेटन को आगे लेके जाएं। तो इस दौर पे मैं बहुत खुशी से कहती हूँ, जबकि एक्चुअली विवेक जी उनके ग्रैंडसन हमारे साथ हैं और महाराज कुमार आजाद शत्रु जी ने बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजे, उनकी तबीयत थोड़ी हल्की है आज, लेकिन अनुश्री जी और मैं, हम दोनों बहुएं हैं और हम आज दोनों बहुएं जो जम्मू एंड हिमाचल में आए थे बड़े साल पहले, हम आज आई थिंक हमारे जो ससुर जी हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो आज हमें ब्लेस करेंगे, क्योंकि हम दोनों बहू के रूप में, कहते ना एक बेटी जब शादी करके आती है अपने गोत्र को बदल देती है, तो हम भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक हमारे इन लॉज को बहुत गर्व महसूस होंगे आज कि दोनों बहुएं खड़े हो गए साथ साथ, एक साथ हाथ में हाथ मिला के, हम दोनों के हाथ जुड़े हुए हैं और हम कोलैबोरेट कर चुके हैं, हम बहनों जैसी हैं और हमारे दिल के, हम दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक चीज़ ने हम दोनों को जोड़ दिया है कि हम दोनों जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनके लिए हम जीते हैं, हम उनके लिए हम करना चाहते हैं एंड वी आर डूइंग इट टोटली apolitical। सो ये नहीं है कि हम रोज़ उठते हैं और हम कहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है और क्यों नहीं हम उसी को हम बांटें और लोगों के साथ हम शेयर करें। इनका बहुत ही ज़बरदस्त किलिंग सेंटर भी है जो मैं चाहती हूँ सब जाके विजिट, धर्मशाला में अपार्ट फ्रॉम आई कैम्प से बहुत सारी सेवा में करते हैं, जैसे कि आपने सुना था ये विवेक जी आपको खुद बताएंगे, एंड महाराजा हरि सिंह ट्रस्ट भी कई सारे काम से जुड़े हुए हैं सोशल एजुकेशन। जो आज इधर फ्री आई चेक कैंप चल रहा है लेकिन बात इनसे भी करेंगे, हिस्टोरिकल मोमेंट है इनका दोनों बहुओं एक साथ, आप कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं और कैसे देख, क्या असर करती है आपके सितारों की चाल आपके जीवन पर? 12 राशियां और 12 राशियों की ग्रह चाल के बारे में हर हफ्ते हम बात करेंगे जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सरिता जी से।
किन किन ग्रहों से आपको मिल सकती है सफलता और किन ग्रहों से आपको उठाना पड़ता है जीवन में नुकसान। सबको नमस्कार, सभी दर्शकों को, जो भी ग्रेटर जम्मू के दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। वो हमें बताएंगी कि किस तरह से ग्रह चाल अपनी स्थिति बदलकर हमारे जीवन पर कितना डालते हैं असर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हर सोमवार, जिस पर हम बात करेंगे डॉक्टर सरिता जी के साथ आपकी 12 राशियों के बारे में। इस मोमेंट मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं ऋतु जी, मेरी बहुत अजीज, मेरी दोस्त हैं, मेरी बहन है, और उन्होंने ये हमें ये मौका दिया। पहले तो मैं इनका शुक्राना करूँगी, और हम दोनों की फैमिलीज जो एक साथ हैं, आज ऐतिहासिक वक्त है। जैसे ऋतु जी ने बताया, बहुत कम बच्चे होते हैं जो एक्चुअली बहुएं भी होती हैं, वो इतनी पार्टियों में लीन हो जाती हैं कि उनको ये टाइम नहीं मिलता। मुझे लगता है आप प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं बाकी बहुओं के लिए भी, फैमिली की लेगेसी को आगे लेके। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर रही हूँ, बिकॉज हम सबको अपने आप से नहीं दूसरों से भी प्यार करना चाहिए, अपने बच्चों से नहीं पर दूसरों के बच्चों को भी अपना समझना चाहिए। मैं नहीं चलता हर वक्त, तो एक साथ आए ऋतु जी के साथ जुड़े यहाँ पे जम्मू में, इतने सारे कार्यक्रम कर रही हैं, इतना युवकों को इतना प्रोत्साहित कर रही हैं, तो इनके साथ जुड़े, इनके साथ समझे ये क्या कर रही हैं, और इनका साथ दे और जम्मू को वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स बनाए इंडिया में। विवेक जी हमारे साथ जो ग्रैंडसन है उनके, विवेक जी कैसे देखते हैं, और जम्मू में तो खास महत्व है अगर हम बात करें महचंद महाजन जी का, हालांकि थर्ड चीफ जस्टिस रहे हैं लेकिन जम्मू की हिस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है। जी जी, उनका जम्मू रीजन में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, यहाँ से लेके अगर आप देखें गुरदासपुर तक काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि जब वो रेडक्लिफ कमीशन में थे, उनके मेंबर भी थे, हाँ, तो उस समय गुरदासपुर पाकिस्तान में डिक्लेयर कर दिया था। अगर आपको पता होगा कि पठानकोट में इंडिपेंडेंस जो था 17 अगस्त को मनाया गया, 15 को नहीं मनाया गया, क्योंकि 2 दिन तक उनको क्लैरिटी नहीं थी कि पठानकोट गुरदासपुर में है या पाकिस्तान में गया है, पर उनकी देन थी एक तो। पर यस, जो कंट्रीब्यूशन रही वो जम्मू रीजन में बहुत रही, उनका स्टैचू भी हाई कोर्ट के बाहर लगाया, स्टैचू ये चौक में। जी 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 जी, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे ग्रैंडफादर को इतना सम्मान दिया गया है, और आप कुंवर रानी जी ने बता ही दिया है कि हमारी फैमिलीज काफ़ी जुड़ी रही हैं 1947 से, और ये एक बहुत ऐतिहासिक पल है कि आज मुझे यहाँ खड़े होने का और माता रानी का बुलावा आया है कि हम कटरा से ही इसका शुरुआत कर रहे हैं। मैं तो बस शुक्रिया कर सकता हूँ कुंवर जी का, कुंवर रानी जी का, कि हमें ये मौका दिया उन्होंने। आज बात कर रहे थे महाजन साहब की, तो उनको तो महारानी तारा जी ने कहा था कि आप यहाँ पे आए, वो कुछ आपको याद है, कुछ स्टोरी सुनी है? जी, मैंने सुनी भी है और उनकी किताब में पढ़ी भी है। तो ऐसा था कि जब वो लाहौर में जज थे तो कुंवर रानी जी वहाँ, महारानी जी आई थी, महारानी जी उनको बुलाई थी, और डॉक्टर करण सिंह जी भी थे उस टाइम, ही वॉज़ अ यंग मैन, एंड दोनों आए थे। तो उन्होंने कहा था कि हमें आप जम्मू कश्मीर में आपकी ज़रूरत है, अगर कोशिश करें, अगर आप कुछ समय निकाल के आप आ सकें और एज अ वज़ीर आज़म वहाँ सर्व करें। तो ग्रैंडफादर माय दादाजी उस टाइम थोड़ा जुडिशरी में ज़्यादा थे, और वो चाहते नहीं थे कि मैं जुडिशरी छोड़ के मैं ये काम में पॉलिटिक्स में आऊँ या इसमें समय लगाऊँ। पर उन्होंने सरदार पटेल उस टाइम जो थे उनके मेंटर थे, तो उनसे बात करी, और ये इतिहास में एक अनोखा केस है कि जुडिशरी में उनको 10 महीने का वो लीव दी गई कि आप जाके अपना वहाँ वज़ीर आज़म का रोल निभाएं और जो एक्सेशन है उसको पूरा करें उस रोल को, और वापस आप जुडिशरी फिर ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखिए, अगर ये गूगल में भी आप सर्च करेंगे तो एक ही ऐसा केस है जहाँ ऐसा वो अनोखा जो उसके बाद हुआ 26 अक्टूबर 1947 को एक्सेप्शन हुआ, तो वो सारा पॉसिबल तभी हुआ। ये वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तो आप जानते हैं, इट्स ऑल हिस्ट्री। और अगर आप देखना चाहें तो प्रधानमंत्री एक सीरीज चली थी प्रधानमंत्री 2, तो उसमें भी अगर आप देखें तो ये स्क्रीन पे प्ले बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया। आज की कोलैबोरेशन को ऐसे देखते हैं, 2 लाइन मैं एक बहुत अच्छी शुरुआत देख रहा हूँ, और अगर इन्हीं के माध्यम से अगर रियासी के और कटरा के और इस रीजन के लोगों को बेनिफिट पहुंचे, तो मैं पूरी तरह से अपने तन मन से
अपना सहयोग देने को तैयार हूँ। थैंक यू विवेक, यही मैं चाहती थी, बिकॉज मैं ये कहना चाहती हूँ कि रितु जी, मैं और विवेक सच्ची मिलके, ये मेरा सच्ची हृदय से ये कि हम बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि रितु जी आपका एक पैर हिमाचल में भी है, एक पैर जम्मू में भी है, तारा जी वहाँ पे हिमाचल की थी और सारा डोगरा कनेक्शन तो है ही, डोगरा कनेक्शन तो है ही है, हम सबका बिल्कुल एक साथ। बिल्कुल, और मैं भी क्या कह सकती हूँ कि आज मुझे लग रहा है कि इसके बाद हम हिमाचल जाएंगे सीधे, क्योंकि अभी हमने दादा साहब और मैचन महाजन जी के, हमने उनके स्टैचूज में भी जाएंगे, वहाँ पे हम श्रद्धांजलि पेश करेंगे और शुक्राना भी उनका करेंगे, बिकॉज इट इज़ देयर ब्लेसिंग्स, उनकी लेगेसी हम लेके जा रहे हैं आगे। तो मैं जितना कम आई मीन वट एवर आई से इन माई ग्रेटिट्यूड इज लेस देन वट आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस, बिकॉज जो विवेक और अनुश्री कर रहे हैं, मैं माता रानी से मैंने यही विनती है और प्रार्थना थी कि इनको ब्लेस करें अबंडेंस में, क्योंकि ये आगे इतने लोगों को हेल्प कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आज की रिस्पॉन्स, हमारे 200 बच्चे ने आना था इनॉग्रल के लिए, 300 बच्चे आ गए हैं और रियासी कटरा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, गाँव के बच्चे हैं एंड दे गो टू गवर्नमेंट स्कूल्स, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और टोटल रजिस्ट्री हमारी कल तक 1500 थी, फिर शाम तक 1800, अभी 2200 तक चल गई है। तो अनुश्री और विवेक जी दोनों ने कहा अब हम लोग खास दिल्ली से उठ के आए हैं इसी सेवा में, तो प्लीज़ आप इसमें लिमिट लग रखिए, जितने मर्जी करना चाहते हैं, वी हैव नो लिमिट फॉर दिस। ये अपने पैसे भी खर्च रहे हैं, अपने स्टे का भी, हर एक चीज़ ये लेके आए, कल ये ट्रेन में आए हैं, मेरे को ज़रूर दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इनकी ट्रेन ऑलमोस्ट 17 आवर्स डिले हुई थी, फिर भी शांति से, जब भी मैं फ़ोन में बात करी थी शांति से अनुश्री ने मुझे कहा मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो इनका व्यवहार जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण एंड संभला हुआ एंड आई वुड से गॉड गिफ्टेड। सो मैं पूरे जम्मू की तरफ से इनके बहुत आभारी हूँ और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ पूरे महाराजा हरि सिंह जी के ट्रस्ट की ओर से, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक आर नेशनल प्रेजिडेंट ऑफ फिकी, फिकी फ्लो जयश्री दास वर्मा, जिन्होंने अनुश्री और मेरे हाथ को, शी गेव अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड शी हैज सपोर्टेड दिस कॉज एज अ नेशनल कॉज, बिकॉज अनुश्री हैज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क नेशनली विद द सेम कैंप, एंड वी हैव द वी हैव देम ऑन जूम लाइव ऑल्सो, सो वी हैव देयर ब्लेसिंग्स एंड वी वॉन्ट टू गिव एवरीबडी इन जम्मू अ लॉट ऑफ लव, हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। तो आपने सुना किस प्रकार से बच्चों की मदद के लिए ये दोनों परिवार अभी क्लैब करके आए हैं, और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कोलैबोरेशन जो है आगे भी चलती रहेगी और दूर दराज के क्षेत्र के जो बच्चे हैं, खासतौर तौर पे स्कूली बच्चे जो हैं, उनको इस प्रकार की सुविधा जिस यहाँ पे फ्री आई चेकअप हो या बाकी चेकअप हो वो मुहैया करवाई जाएगी, क्योंकि बच्चे अगर स्वस्थ होंगे तब जाके ही जो हमारा राष्ट्र स्वस्थ हो सकता है, और कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को भी एक हिस्टोरिक मूवमेंट के तौर पे देखा जा रहा है, जहाँ पे जस्टिन मेहचंद महाजन जी के परिवार और राज परिवार की तरफ से कुबरानी डॉक्टर रितु सिंह जी एक बार फिर सामने आए 1947 के बाद का जो बड़ा हिस्टोरिक कोलैबोरेशन हुआ। बहरहाल इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू है कमेंट सेक्शन में रखिए। देखते हैं जम्मू कैमरा सिंह का, मैं पंकज जी।